वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए आज तक समझ नहीं लगा, परंतु क्योंकि एक प्रथा है इस कारण से मोदी साहब जवाब देंगे और पूर्ण जवाब देंगे, और जो जो प्रश्न उठाए सब प्रश्नों के उत्तर मोदी साहब देंगे। जी, सफल नहीं हो पाए। अफसोस है कि मणिपुर की घटना को भी वे अपने को लॉन्च करने के रीलॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और INDIA को भी लॉन्च करने के लिए वह मणिपुर की घटना को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोसजनक है कि उनके यहाँ इतनी संवेदनशील घटना को भी अपने को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, वीडियो रोक के रखा, विपक्ष आग में घी डालने का काम ना करे, इसका राजनीतिकरण हो रहा है और तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वह वीडियो जब बना था तभी अगर चला मिल गया होता तो अब तक उन सब पर कार्रवाई हो गई होती। हालांकि जब हुआ उसके तुरंत बाद भी कार्रवाई हो गई, परंतु कहीं ना कहीं इसमें राजनीति दिखती है कि सदन के शुरू होने से एक दिन पहले ही वीडियो रिलीज हुआ। जी, उन्होंने लेकर युवाओं से बातचीत कर सकती है, 370 को लेकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की कथित गलत नीति का परिणाम। इसमें कोई शक नहीं है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या किसी अलगाववादी संगठन से कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत ना हुई ना होगी इस सरकार की ओर से, क्योंकि पहली सरकारें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को, यासीन मलिक जैसों को रेड कारपेट के द्वारा स्वागत करती थी, ये तय है। हाँ, वहाँ के युवकों से, वहाँ के लोगों से बातचीत होती है, हो रही है, और वहाँ पर लोकतंत्र नीचे तक चला गया है, उसका आज लाभ वहाँ पर दिख भी रहा है। पिछले सीजन में कोई 1,80,00,000 लोग वहाँ पर टूरिस्ट भी आए थे, दिखता है कि वहाँ माहौल बदला है और एक अलग प्रकार का माहौल है। अब ये जो माहौल अब तक ख़राब रहा, जो पत्थरबाजी होती थी, जहाँ वहाँ पर हर जुम्मे के दिन या हर शुक्रवार के दिन वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, वह भी बंद हुई। वह इसलिए होती थी कि अलगाववाद का माहौल खड़ा किया गया था, और अलगाववाद का जो बीज था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने 370 लागू कर किया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।